हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। ओके, एरीज देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपने फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में अपना जो रूटीन है वो सेट करने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा, मे बी आप अभी ऑल ओवर द प्लेस हैं एंड आपको कई चीजें आप फिगर आउट कर रहे हैं, क्या करना है कैसे करना है, तो थोड़ा सा अपना जो दिनचर्या है, रूटीन है, उसको थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है। सो दैट कोई और अगर लाइक एज अ थर्ड पर्सन कोई अगर आपको देख रहा है और आपको मे बी एज एन इंस्पिरेशन ले रहा है, तो वो कुछ सीखे आपसे। तो यहाँ पे मे बी आपको कुछ अचीव करना है बट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। सो आई थिंक सबसे पहले तो अपनी रूटीन सेट करिए, अपना दिन सेट करिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बनिए। उठना, बैठना, प्रॉपरली सोना, स्लीप स्केड्यूल अपना ठीक करिए। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बनने की जरूरत है यहाँ पे, एटलीस्ट जरूरत दिख रही है मुझे यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई भी अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या कोई अगर आपको बोल रहा है कि आपके अंदर ये पर्टिकुलर चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है एरीज, तो उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, वैलिड क्रिटिसिज्म है, मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म है। सो इंस्टेड ऑफ यू नो लाइक बिल्डिंग दैट वॉल एंड गेटिंग ऑफेंडेड विद ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर द अदर पर्सन इज सेइंग, उस चीज से ऑफेंड होने की बजाय उस चीज को एक्सेप्ट करिए और देखिए कि मैं उसको अपनी लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो थोड़ा सा फर्स्ट वीक में ना आपको दूसरा जो बता रहा है कि आपको ये चीज इंप्रूव करनी है अपने अंदर, प्लस अपना थोड़ा दिन, वीक, आसपास की जो चीजें हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से करना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। एरीज देखिए, सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं। अब ये जो वेटिंग एनर्जी है, जो पॉज हुई हुई है आपकी लाइफ, तो नहीं मैं बोलूंगी बट पॉज पे चल रही हैं चीजें। मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ प्रपोजल और एन एग्रीमेंट और इंटरव्यू रिजल्ट और एग्जामिनेशन रिजल्ट, इट कुड बी एनीथिंग, बट एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, किसी चीज का आप वेट कर रहे हैं। एंड व्हाइल यू आर वेटिंग ना, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हैं, आपका ना थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जी दिख रही है, सोचने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है कि ठीक करा या नहीं करा, या मुझे वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो शुड आई मूव ऑन और शुड आई लाइक स्टे वेयर एवर आई एम। सो वो जो एक दिमाग चल रहा है, कंटिन्यूअसली दिमाग चल रहा है कि क्या करना चाहिए, जो किया वो ठीक किया या नहीं किया। ऑल्सो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा ना सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट लेने की जरूरत है। अगर आप खुद कोई चीज फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों से पूछिए, थोड़ा सा काउंसलिंग लीजिए। आपका दिमाग बहुत चल रहा है एंड एक वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में, वेर इन यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो वहां पे आपको किसी थर्ड पर्सन से हु इज केपेबल ऑफ गिविंग यू अ गुड एडवाइस, उससे आपको पूछना पड़ेगा, काउंसलिंग ले सकते हैं आप। ये वेटिंग एनर्जी इस चीज की भी हो सकती है, द काइंड ऑफ लव दैट आई हैव बीन गिविंग टू अदर पीपल, आई हैव नेवर रिसीव दैट। ठीक है, तो वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, सो वेटिंग कि कब मुझे वो प्यार या वो एफर्ट वापस मिलेगा जो मैं डालता हूं रिलेशनशिप्स में।
थर्ड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज यूनिवर्स, प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज यूनिवर्स, प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। एरीज देखिए, थर्ड वीक में पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी काफी ज्यादा है। मुझे थर्ड वीक ऑफ नवंबर आपका बहुत सॉर्टेड, बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपकी फैमिली सेलिब्रेट हो रही कर रही है किसी चीज को लेकर, आप किसी चीज को लेकर काफी हैप्पी हैं। मे बी आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है, आपकी एक जर्नी कंप्लीट हो रही है, आप जो आगे बढ़ रहे थे, जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे थे, जो अचीव करना था आपको, वो आप अचीव कर रहे हैं। चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट हो, इमोशनल पर्सनल लाइफ को लेकर हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। एंड आई थिंक व्हाटएवर यू आर अचीविंग और जिस भी चीज को लेकर आप हैप्पी हैं, आपकी फैमिली भी उसी चीज को लेकर हैप्पी, लाइक योर फैमिलीज हैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ योर हैप्पीनेस। ठीक है, तो वो मुझे एक मिली जुली खुशी सेलिब्रेशन इन इस चीज का माहौल दिख रहा है। ऑल्सो आई फील थर्ड वीक ऑफ नवंबर में आप कोई एक रश्ड डिसीजन ले रहे हैं, जल्दबाजी में कुछ तो है जो कि आपको फोर्स कर रहा है जल्दी डिसाइड करने के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट वॉट, मे बी शिफ्टिंग, रिलोकेशन, किसी चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो चीज आपको मिल रही है, नाउ यू आर लाइक लेट मी टेक अ डिसीजन क्विकली, लेट मी जस्ट से येस टू दिस पर्टिकुलर थिंग और लेट मी जस्ट से नो टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो मुझे चीज दिख रही है। बट ऑल इन ऑल हैप्पीनेस बहुत है आपकी। एक कहते हैं ना, रीयूनियन हो रहा है, कई लोग, काफी सारे लोग मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो फैमिली के लेवल की हैप्पीनेस दिख रही है मुझे। फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज यूनिवर्स, प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज यूनिवर्स, प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज यूनिवर्स, प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। मैंने आपको बोला ना, जल्दबाजी बहुत दिख रही है। मे बी आपको कोई चीज बहुत टाइम के बाद मिल रही है एंड जिसका आप वेट कर रहे थे सेकेंड वीक में, वेटिंग एनर्जी जो थी हमारे पास, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर लाइक लेट मी जस्ट लाइक यू नो गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। बट आई थिंक थोड़ा सा आप इम्पल्सिव भी हो रहे हैं। फोर्थ वीक में मुझे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा ठहराव लाने की जरूरत है अपने अंदर। आप चीजों को लेकर बहुत जल्दी भाग रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको सब चाहिए, और अगर कुछ मिल रहा है तो आपको लग रहा है कि जल्दी से, बस जल्दी से सब कुछ हो जाए, तो वो इम्पल्सिवनेस दिख रही है। अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो थोड़ा सा हॉट टेम्पर दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, पैशन बहुत है किसी चीज को लेकर, बट वो पैशन ना थोड़ा नेगेटिव साइड पे जा रहा है, एज इन लाइक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग बट इफ यू आर नॉट गेटिंग इट तो गुस्सा, इफ यू आर गेटिंग इट तो जल्दबाजी। तो वो मुझे थोड़ा सा लास्ट वीक में वो चीज दिख रही है आपको। यू नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग एरीज, आपको मेडिटेशन स्टार्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी ऑल ओवर द प्लेस वाली एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा ठहराव लाइए, मेडिटेट करिए, चीजें मॉडरेशन में करना स्टार्ट करिए, हर चीज एक्सट्रीम में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पर्पस ड्रिवन हो जाइए कि ठीक है मैं ये कर रहा हूं इससे पहले कि मैं ये जल्दबाजी में कोई चीज आगे बढ़ूं, लेट मी जस्ट थिंक इट थ्रू, लेट मी सिट एंड लाइक डिसाइड, और मे बी यू नो एक चीज को सोचना, प्रोसेस करना कि क्या सही है क्या गलत है। तो थोड़ा सा आपको पर्पस ड्रिवन होना पड़ेगा, आप बिना पर्पस डिफाइन करे जल्दबाजी में काम नहीं कर सकते हैं। तो वो फोर्थ वीक की मुझे एनर्जी दिख रही है। अब हम देखते हैं लव मैसेजेस क्या है हमारे पास फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एरीज के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर मंथ, ओ ओ ओ, नवंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए।
एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर मंथ में अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं या मिलने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी अगर किसी से मिल चुके हैं अभी, तो आई फील आपको इस इंसान को ना सबसे पहले थोड़ा जल्दबाजी में, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें उसके साथ कमिटमेंट में जाएं, यू शुड फर्स्ट स्पेंड टाइम टुगेदर सो दैट आप दोनों एक दूसरे को जाने अच्छे से. सो कमिटमेंट एंड जल्दी भागने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट इफ यू रियली लाइक दिस पर्सन. सो उसके लिए आपको क्या करना है, स्पेंड टाइम विद देम, ट्राई टू गेट टू नो देम, द काइंड ऑफ पर्सन दे आर. एंड जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते जाओगे, आपको आप खुद भी अपना एक इनरमोस्ट सेल्फ रिवील करोगे, दूसरा भी करेगा. सो वो एक प्रोसेस होता है एंड देन ग्रेजुअली वो बॉन्ड डीप होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा. सो उसमें जल्दबाजी मत करिए, टाइम लीजिए इंस्टेड ऑफ रशिंग इन टू थिंग्स. ओके, आप दोनों को जरूरत है. अगर कोई इंसान है आपकी लाइफ में, आ रहा है, आने वाला है, आई फील आपकी लव लाइफ जो है ना वो अफेक्ट हो सकती है अगर आप अपने फैमिली इश्यूज को हील ना करो. तो आपके जो पेरेंट्स हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं, एक दूसरे, आप दोनों को अपनी अपनी फैमिलीज को फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना पड़ेगा. जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमास रह चुके हैं आपके, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा. जैसे ही आप हील करोगे अपने फैमिली इश्यूज को, ट्रॉमास को, आई फील आपका जो रिलेशनशिप है ना वो और बेहतर तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज अभी क्या है कि हो सकता है आप में से कोई इंसान बैगेज कैरी कर रहा है पेरेंटल ट्रॉमा का या चाइल्डहुड ट्रॉमा का, तो वो जस्ट गेट रिड ऑफ इट. ओके, अगर किसी भी टाइम पे आपको लगे कि मेरा रिलेशनशिप में वो डिप आ गया है, स्पार्क जा रहा है, केमिस्ट्री जा रही है, सो एफर्ट डालिए. ठीक है, एफर्ट डालिए. एंड आप जब एफर्ट डालेंगे ना, यू विल रियलाइज दैट इट इट वॉज वर्थ, यू नो, लाइक वर्थ वर्थ इट. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि मैंने एफर्ट डाला एंड वो जस्ट वेस्ट चला गया सारा एफर्ट. एफर्ट डालिए, वो केमिस्ट्री स्पार्क वापस आ जाएगा, बिकॉज स्कोप खत्म नहीं हुआ अभी इस रिलेशनशिप का. ऑल्सो मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई ना, आप लोगों किसी किसी एरियाज के लिए हो सकता है ये कि आपके पास्ट में कोई ऐसा इंसान रह चुका हो जो के लाइक समवन वाज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क, एंड उस वजह से क्या है, आप वो एक बैगेज साथ में लेके चल रहे हैं कि पहले मेरे साथ ये हुआ, पहले इंसान ने झूठ बोला, धोखा दिया, चीट करा, तो अभी भी कहीं ये हो गया रिपीट. तो एक वो भी चीज हो सकती है. दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आप हैं वो किसी चीज को लेकर आपको झूठ बोल रहा है, मे बी अपने जॉब को लेकर या अपनी सैलरी को लेकर, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी, या लोकेशन को लेकर या अपने फैमिली बैकग्राउंड. लेट्स से वो बोल रहे हैं आपको कि नहीं, मेरी फैमिली बहुत ही, यू नो, लाइक क्लोज नेट फैमिली है, सब बहुत अच्छे हैं, बट थोड़ी सी ब्रोकन फैमिली हो, तो कोई चीज है जो वो आपको फुल्ली ट्रुथ जो है ना पूरा सच नहीं बता रहे हैं. देखिए, यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत जल्दी होप लूज कर देते हैं व्हेन इट कम्स टू योर लव एंड रिलेशनशिप्स और मैरिज. यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग जितनी आप रखेंगे, फेथ रखेंगे यूनिवर्स में या अपने रिश्ते में, रिलेशनशिप में, उतना ही आपका रिलेशनशिप और फ्लरिश करेगा. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मेरे साथ ये क्यों होता है, ये सोचिए कि अच्छा जो हुआ आई थिंक वो यूनिवर्स का प्लान था एंड डिवाइन टाइमिंग के साथ मुझे कोई और अच्छा इंसान मिल जाएगा. सो आई थिंक आपको अपना जो आउटलुक है ना टूवर्ड्स लव एंड रिलेशनशिप वो चेंज करने की जरूरत है काफी ज्यादा. अगेन, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. अगर आपका रिलेशनशिप डगमगा रहा है, कोई ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पे आपको लग रहा है हो गया, खत्म हो गया, तो चांस दीजिए. ऑफकोर्स रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करिए, टॉक्सिसिटी को इग्नोर मत करिए, बट इफ यू थिंक दैट देर इज स्टिल स्कोप देन वर्क ऑन इट इंस्टेड ऑफ क्विटिंग. ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए नवंबर मंथ में. यू हैव टू वर्क, लाइक यू विल हैव टू वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, यू विल हैव टू मेक द एफर्ट इफ यू वॉन्ट, लाइक इफ यू वॉन्ट टू सस्टेन योर रिलेशनशिप बेसिकली.
ओके अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या हैं हमारे पास फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। बट उससे पहले गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग और रेखी और क्रिस्टल्स, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, सर्वाइकल, एक्ने, डाइजेशन इश्यूज, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये सारी जो इमोशनल फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को अनब्लॉक कैसे करना है? डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी के थ्रू, जो कि रेखी होती है। तो आप रेखी क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, रेखी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स हो सकते हैं, होते हैं, एंड रेखी सेशंस भी होते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं जो आपको, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट करें। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, तबीयत खराब हो जाती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, किसी की नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट बहुत ज्यादा करती है, तो ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। If you want to cut off or like cut cords with a specific person or a specific situation, तो cord cutting exercise कर सकते हैं। If you want to see कि आपका aura किस color का है and आप अपनी life के किस transformational stage पे हैं अभी, कौन सा आपका जो chakra है वो सबसे ज़्यादा weak है, तभी वो affect हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं aura scanning के through। बट मैं हमेशा बोलती हूँ गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग करवाने जा रहे हैं किसी हीलर के पास, तो सबसे पहले आप बिलीव करें कि हाँ, हीलिंग प्रैक्टिस काम करेगी। ठीक है, वो एक बिलीव सिस्टम होना चाहिए दैट यस दिस विल वर्क, वो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका। सेकेंडली, अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, मैं आज मंडे को गया एंड यू नो लाइक विद इन 2 वीक्स मेरी चीज ठीक हो जाएगी, तो वो देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू, बिकॉज क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं आपको हीलिंग में। मैं ये आपको पहले ही बता रही हूँ, मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप हीलिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, ओके? बिकॉज होता क्या है, फिर आप एज अ क्लाइंट आप हीलर के पास जाते हो, आपका टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट होता है, आपका भी एंड हीलर का भी। सो इट डजंट मेक एनी सेंस, और फिर वो एक डेस्परेशन की जो एनर्जी होती है ना, वो वैसे भी और नेगेट कर देती है सारी हीलिंग के एफर्ट को, ओके? तो वो चीज ध्यान में रखिएगा आने से पहले। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, नेक्स्ट मंथ नवंबर के लिए रैंडम मैसेजेस। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, देखिए पैसे को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को लेंड कर रहे हैं, किसी से वापस लेना, किसी भी चीज में कुछ भी पैसे से रिलेटेड, शायद वो स्टॉक्स हो, शायद वो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेंडिंग हो गया, और क्या हो सकता है, कहीं कोई प्रॉपर्टी में लगाना, वो भी इन्वेस्टमेंट हो गया। बट आई थिंक पैसे को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आपका नुकसान हो सकता है अगर आप केयरफुल ना रहो while spending money, it could be normal spending also, तो उसमें भी आपका नुकसान हो सकता है कि कोई चीज आपने मंगाई, बहुत महंगी चीज मंगाई, and ना वो चीज return हो सकती है ना कुछ, and हो गया, नुकसान हो गया और वो आपका पैसा अब वापस नहीं आ रहा, ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। muddled unclear thinking, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास कार्ड था ये contemplation का, सोचना क्या करना है क्या नहीं करना, रेस्ट लेना, काउंसलिंग, इधर उधर से पूछना, तो मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग आपकी थोड़ी सी नवंबर में रहने वाली है वो एनर्जी। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा टाइम ले बिफोर रशिंग इनटू एनीथिंग, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, बिकॉज जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं, जब आप अनक्लियर होते हैं, जब आप श्योर नहीं होते हैं किसी चीज को लेकर, तब कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ना बोलना चाहिए ना हाँ बोलना चाहिए। This is what I personally believe. Universe, please बताइए Aries के लिए क्या messages हैं, next month के लिए क्या messages हैं for Aries. Pay attention to your work, अपने काम पे ध्यान दीजिए, ध्यान हट रहा है काम से। Something important such as a new job or a raise, देखिए new responsibilities, नई job, नया project, नया client,
कोई नई डील आने वाली है, थोड़ा सा काम पे ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान नहीं देंगे ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। सो मे बी आपका जो कॉन्टेम्पलेशन और वो जो इधर उधर दिमाग जा रहा है ना अलग अलग चीजों में, थोड़ा सा उस चीज को पॉज पे डालिए एंड काम पे ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज अगर हाथ से निकल गई तो वो फिर वापस नहीं आएंगी, मे बी कोई और अपॉर्चुनिटी आ जाए, बट आई फील थोड़ा आपका जो ध्यान काफी डाइवर्ट हुआ हुआ है, कई चीजों पे गया हुआ है, कंफ्यूजन बहुत है एंड थोड़ा सा फोकस्ड होने की जरूरत है आपको। आप फोकस आपका ना इधर उधर बहुत मन भटक सा रहा है नवंबर मंथ में। एरीज के लिए मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए मैसेजेस। Oh my God, you should accept valid criticism. हमारे पास कार्ड है, आपके सामने मैंने कार्ड निकाला है। यहाँ पे भी हमारे पास यही था जब मैंने आपको बताया कि कोई इंसान अगर आपको इम्प्रूवमेंट बता रहा है, क्रिटिसिज्म आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको सुनिए, उस चीज को एक्सेप्ट करिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑफेंडेड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म एरीज, हर चीज में गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग और लाइक प्रोकेस्टिनेशन, देखिए रेस्ट लेने को मैं आपको बोल रही हूँ, कोई चीज में कंफ्यूज है तो कोई डिसीजन मत लीजिए, फेयर इनफ, बट प्रोकेस्टिनेशन वाली एनर्जी इज डिफरेंट, उसमें मत घुस जाइए कि कोई चीज को लेकर आपको पता है क्या करना है बट फिर भी सोचे चले जा रहे हैं, आपको पता है सही क्या है बट फिर भी एक ही जगह पे बैठ के वो एनर्जी ऐसी है कि एक स्टिल सी हो गई है, कुछ आगे मूवमेंट नहीं है। तो टाइम टू एक्ट, कोई चीज अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ मैं ये करूंगा करूंगा करूंगा, मैं इंप्रूवमेंट लाऊंगा, मैं चेंजेस लाऊंगा, टाइम टू एक्ट। बहुत टाइम से आप सिर्फ प्रॉमिसेस कर रहे थे एंड हो चुका है अब वो प्रॉमिसेस वाला टाइम खत्म, तो आगे बढ़िए एंड टेक एक्शन, उस पर कुछ करने की जरूरत है नवंबर मंथ में, बैठे मत रहिए। ठीक है, यस मोर ऑर लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।